हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विदाउट एनी डाउट आई एम खुशहाली हियर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर को देखते ही जान पाए कि वो कौन से नंबर से डिविजिबल हो पाएगा। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे टू का रूल लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 0, 2, 4, 6, 8 और इवन नंबर्स। ओके, यानी कि जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में हमें इवन नंबर दिया हुआ होगा तब जो है वो नंबर टू से डिविजिबल हो पाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमें 126 दिया हुआ है। इसका लास्ट नंबर क्या है? 6 है। ये इवन नंबर है। ओके, सो इसको हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल 4564। ओके, इसके लास्ट में क्या है? 4 है। ये भी 2 से डिविजिबल है। सो ये जो है ये 2 से डिविजिबल हो पाएगा। ओके, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं 3 का। देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, सम ऑफ द डिजिट्स। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है? जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसके जितने भी डिजिट्स है उसका हमें सम करना है, यानी कि टोटल करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर दिया गया है 147। ओके, तो चलिए इसका हम टोटल बना लेते हैं। 1 + 4 = 5, 5 + 7 हो जाएगा 12। ओके, सो 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 3 × 4 = 12 होता है, राइट? सो ये जो है ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज कीजिए 126 दिया हुआ है। क्या करेंगे? नंबर्स का टोटल मनाएंगे हम। 1 + 2 = 3, 3 + 6 = 9। ओके, तो 3 × 3 = 9 होता है, मतलब ये नंबर जो है ये भी 3 से डिवाइड हो पाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए 4 का रूल क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स और 00। मतलब कि जैसे हमने 2 में क्या किया था, हमने लास्ट 1 डिजिट नोटिस किया था, राइट? तो हमें 4 में क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट्स को नोटिस करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर दिया है 164। ओके, सो हमें क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है। लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? यहाँ पे 64 है, जो कि 4 से डिविजिबल है। 16 × 4 = 64 होता है। सो ये नंबर 4 से डिवाइड हो पाएगा। ओके, फिर सपोज कीजिए हमें दिया गया है 1600। ओके, तो इसके लास्ट 2 डिजिट्स में क्या है? 00 है। सो जब भी 00 हो गए तो वो डिजिट भी 4 से डिवाइड हो पाएगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, 5 का रूल देखते हैं। लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। ओके, फॉर एग्जाम्पल नंबर दिया गया है हमें 96505। ओके, सो इसके लास्ट में क्या है? 5 है। सो ये भी 5 से डिवाइड हो पाएगा। अगर दिया गया है हमें 6930। ओके, लास्ट में क्या है? 0 है। सो ये भी 5 से डिवाइड हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं हम 6 का। क्या लिखा है मैंने? डिविजिबल बाय 2 और 3। ओके, सो यहाँ पे क्या रूल है? कोई भी नंबर जो भी है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर दिया गया है 924। ओके, तो देखिए हमें क्या देखना है? ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं 2 से। देखिए इसके लास्ट में क्या है? 4 है। सो ये 2 से डिविजिबल है। अब देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो टोटल बनाते हैं 9 + 2 = 11, 11 + 4 होता है 15। ओके, सो देखिए 3 × 5 = 15 होता है, मतलब कि ये 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। सो अगर ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, मतलब कि ये नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज कीजिए 7200 दिया हुआ है हमें। सबसे पहले देखते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है। हाँ, लास्ट में 0 है, सो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। देखिए 7 + 2 = 9, 9 + 0 = 9, 9 + 0 = 9। ओके, सो देखिए 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 3 × 3 = 9 होता है, राइट? सो ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, मतलब कि ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट रूल्स की ओर मूव करते हैं। देखते हैं हम 7 का रूल क्या दिया गया है हमें। देखिए डबल द लास्ट डिजिट एंड सबस्ट्रैक्ट द रिमेनिंग। ओके, सो हमें क्या करना है? जो भी हमें लास्ट डिजिट दिया गया है उसको हमें डबल करना है और उसके बाद उस डबल किए हुए नंबर को बाकी के नंबर्स में से माइनस करना है। ओके, सो माइनस करने के बाद हमें जो नंबर मिलेगा वो या तो फिर 7 से डिविजिबल होना चाहिए या तो फिर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ओके, तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सपोज कीजिए हमें 413 नंबर दिया हुआ है। क्या करेंगे? लास्ट डिजिट को डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा। सो 41 में से 6 माइनस करेंगे जो हो जाएगा 35। ओके, सो देखिए 35 जो है वे 7 से डिविजिबल है, मतलब कि ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 84, क्या करेंगे? लास्ट डिजिट को डबल करेंगे, 8 हो जाएगा। 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, सो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं 8 का। क्या है? लास्ट 3 डिजिट्स। ओके, सो देखिए 2 में क्या करते थे हम? 1 डिजिट देखते थे लास्ट। 4 में हम 2 डिजिट देखते थे और 8 में क्या करना है हमें? 3 डिजिट देखना है। ओके, सो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए या तो लास्ट में 000 होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल नंबर दिया है हमें
4088. ओके सो देखते हैं लास्ट थ्री नंबर्स 8 से डिविजिबल है क्या. हाँ देखिए 11 8 88 हो जाता है, मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा. ओके सपोज कीजिए नंबर दिया गया है हमें 36000. ओके सो लास्ट में क्या है, 000 है, मतलब ये भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा. ओके नेक्स्ट रूल देखते हैं 9 का क्या है. सम द सम ऑफ डिजिट, मतलब क्या करना है हमें, जो डिजिट दिए गए हैं उसका टोटल करना है और उस टोटल का भी हमें टोटल करना है. ओके फॉर एग्जाम्पल 3708. ओके सो इसका टोटल क्या होगा, देखिए 3 + 7 = 10, 10 + 0 = 10, +8 हो जाएगा 18. ओके अब हमें 18 मिल गया, अब 1 + 8 हो जाएगा 9. ओके सो हमें 9 मिल गया. देखिए 9 9 से डिविजिबल होता है, मतलब कि ये जो है ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा. ओके सो हमें क्या करना है, टोटल करना है टोटल का. ओके सम द सम ऑफ डिजिट्स. ओके जो ये टोटल होगा वो या तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए. ओके अब नेक्स्ट देखते हैं हम 10 का रूल क्या है. देखिए लास्ट डिजिट सिंपल ही 0 होना चाहिए, बहुत ही इजी रूल है. सपोज हमें 8060 दिया है, लास्ट डिजिट 0 है, सो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा. ओके नेक्स्ट देखते हैं हम 11 का क्या रूल है. सम ऑफ अल्टरनेट एंड सबस्ट्रैक्ट. ओके तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं. देखिए सपोज कीजिए हमें नंबर दिया गया है 3 4 3 2. ओके सो क्या करना है, हमें अल्टरनेट नंबर का टोटल करना है. देखिए 3 + 3 क्या होगा, 6. ओके अब यहाँ से अल्टरनेट जाएंगे, 4 + 2 हो जाएगा 6. ओके अब हमें इसको माइनस करना है, 6 में से 6 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा. ओके सो ये जो माइनस करने के बाद जो हमें नंबर मिल रहा है वो या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ओके जैसे कि यहाँ पे था, या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, उसी तरह से यहाँ पे भी होगा. ओके सो ये नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा. तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, क्या करना है हमें, अल्टरनेट नंबर्स का टोटल करना है. तो देखिए 2 + 8 = 10, 10 + 4 = 14. ओके अब बाकी के अल्टरनेट नंबर्स का टोटल करेंगे, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3, 14 - 3 हो जाएगा 11. तो देखिए 11 जो है वो 11 से डिविजिबल है, मतलब कि ये नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा. ओके अब नेक्स्ट रूल देखते हैं 12 का क्या है, डिविजिबल बाय 3 और 4. ओके सो जो नंबर है वो 3 और 4 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए. सेम रूल है जैसा कि 6 का रूल था, उसी तरह का रूल है. 5508 नंबर दिया गया है हमें. ओके तो देखते हैं हम क्या ये 3 से डिविजिबल है. 5 + 5 = 10, 10 + 0 = 10, +8 = 18. तो देखिए 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा. ओके अब हम देखते हैं क्या ये 4 से डिविजिबल है. तो देखिए लास्ट टू डिजिट है इसका 08, 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर जो है ये 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा. मतलब कि ये नंबर 3 और 4 दोनों से ही डिविजिबल है, मतलब कि ये नंबर जो है ये 12 से डिविजिबल हो जाएगा. ओके सो आई होप आपको सारे रूल्स समझ में आए होंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज इसकी नोट्स बना लीजिए ताकि जो है आप इस रूल्स को रिफर कर पाए. और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएगा, मैं कोशिश करूंगी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आने की. सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा. ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.